हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो गाइज, जैसा कि अभी आपने प्रीव्यू में वीडियो देखा है, अगर इस तरह का वीडियो आपको भी एडिट करना है तो कैसे ये वीडियो एडिट करेंगे, आसान से स्टेप्स के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो गाइज, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, सीखिए कैसे आपको एडिट करना है। अगर आपका वीडियो बिल्कुल ऐसा ही बनता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको डेली मेरे चैनल के थ्रू नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस वीडियो को आप कैसे एडिट करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी VN एप्लीकेशन की, जो कि इजीली आपको प्ले स्टोर पर मिल जाता है। नेटवर्क इशू के कारण मैं आपको बता नहीं सकती कि VN आपको इंस्टॉल कैसे करना है, बट मैं आपको ऐसे ही मुझबानी बता देती हूँ आप क्या करेंगे। प्ले स्टोर ओपन करेंगे सिंपली, ओके। सर्च बार में VN आपको टाइप करना है, ओके। VN आप टाइप करेंगे, टॉप में ये एप्लीकेशन आपको मिल जाता है, क्योंकि ये काफ़ी प्रोफेशनल ऐप है, आपको टॉप में मिलेगा। आपको ओपन करना है, इंस्टॉल कर लेना है, ओके। सिंपली इंस्टॉल जब कर लेंगे, एंड जब आप इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिलता है, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब गाइस, आपको क्या करना है, इस वीडियो को बनाने के लिए आपको वो वीडियो क्लिप की ज़रूरत है जो कि आपने प्रीव्यू में देखा होगा, यानी कि टेक्स्ट टेम्पलेट आप बोल सकते हैं। तो गाइस, उस टेक्स्ट टेम्पलेट को अगर आप चाहते हैं कि वो आपको चाहिए, तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आपको टेलीग्राम पे जाना है, टेक्स्ट टेम्पलेट डाउनलोड कर लेना है, ओके। साथ ही दोस्तों, आपको वहाँ पर मैं रील वीडियो भी दूंगी, आपको साथ में रील वीडियो भी डाउनलोड करके रखना है, बिकॉज हमें रील वीडियो म्यूज़िक के लिए चाहिए, इसलिए रील वीडियो भी आप डाउनलोड करके रखें, ओके। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या आपको इस वीडियो को बनाने के लिए चाहिए। तो जो टेक्स्ट टेम्पलेट आपने डाउनलोड किया है, एक वो आपको ज़रूरत है, एंड नेक्स्ट आपको अपना एक वीडियो क्लिप चाहिए। देन गाइस, अब आप क्या करेंगे, टेक्स्ट टेम्पलेट एंड वीडियो क्लिप लेने के लिए आप यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, एंड न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके आप अपनी फ़ोन लाइब्रेरी से वो टेक्स्ट टेम्पलेट एंड एक वीडियो क्लिप ले लेंगे, ओके। ओके गाइस, इस तरह से आपको वीडियो क्लिप यहाँ से सेलेक्ट करने हैं, एंड यहाँ से आपको फॉरवर्ड कर लेना है। ओके गाइस, इस तरह से आपको ये वाला वीडियो क्लिप लेना है, आप देख सकते हैं, एंड अपना एक कोई सा भी वीडियो आप ले लेंगे, ओके। अब गाइस आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको VN का डिफ़ॉल्ट क्लिप मिलता है, इसको आपको डिलीट कर लेना है। इस डिफ़ॉल्ट क्लिप को डिलीट करने का कारण ये है कि जब आप वीडियो कम्प्लीटली बना लेते हैं एंड में सेव करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट क्लिप आपकी वीडियो के एंड में ऐड हो जाता है, इसलिए आपको इसको डिलीट करना है। देन गाइस, आप यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से 9:16 की रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। इससे हमारी वीडियो क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाती है, एंड ये इंस्टाग्राम की रेशियो है, वैसे ये टिकटॉक की रेशियो है लेकिन इंस्टाग्राम के लिए परफेक्ट है। तो आप 9:16 की रेशियो लेंगे। अब गाइस, आपको यहाँ पर क्या करना है, म्यूज़िक ऐड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको साथ में रील वीडियो टेलीग्राम पर मिलेगा, आपको रील वीडियो डाउनलोड करके रखना है, फर्स्टली मैंने आपको बताया था। तो आप क्या करेंगे, अब उस रील वीडियो से हमें म्यूज़िक को एक्सट्रैक्ट करना है। तो म्यूज़िक एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे, अगेन प्लस पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब वो वीडियो आप ले लेंगे जो आपने टेलीग्राम से डाउनलोड किया होगा, ओके। एंड अगर चाहें अगर तो शॉर्ट नेम दे सकते हैं अपनी म्यूज़िक फ़ाइल का, ताकि आपको याद रहे किस नाम से आपने फ़ाइल को सेव किया है। नहीं भी करना चाहें तो ये ऑप्शनल है, आप डायरेक्टली ओके कर सकते हैं। तो मैं ओके कर लेती हूँ। नाउ गाइस, आप यहाँ से चूज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके, एंड यहाँ से आप डन कर लेंगे। इस तरह से हमारा म्यूज़िक यहाँ पर ऐड हो जाता है, ओके गाइस। तो अब आपको क्या करना है, आपने जो अपना वीडियो क्लिप लिया होगा उसको आपको टू पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप कहीं से भी टू पार्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप स्प्लिट कर लें, ओके, टू पार्ट में डिवाइड कर लें।
ओके। अब आपको क्या करना है, आपने इस वीडियो में आना है टू पार्ट के फर्स्ट पार्ट में आपको आना है इसके ऊपर। यहाँ आपको नीचे स्पीड का ऑप्शन मिलेगा, आपको स्पीड के ऊपर क्लिक करना है। गाइस पहले आपको स्लोमो में करना है वीडियो को। स्लोमो करने के लिए आप क्या करेंगे, ये थ्री डॉट्स हैं इनको आपको नीचे करना है, यानी कि डाउन करेंगे, बिल्कुल डाउन। ओके एंड अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप डन कर लेंगे। ओके अब आप आएंगे सेकंड पार्ट के ऊपर, अगेन आपको स्पीड के ऊपर क्लिक करना है। अब इस बार आप क्या करेंगे, ये जो डॉट्स हैं इनको आपको ऊपर करना है, इस तरह से कर्व करेंगे एंड इक्वल आप कर सकते हैं, टॉप में आपको कर्व करना है, यहाँ से आपको डन कर लेना है। इस तरह से आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो स्लोमो में कन्वर्ट हो जाता है एंड सेकेंड पार्ट स्पीड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें क्या करना है गाइज, म्यूज़िक को सुनना है। म्यूज़िक को सुनते हुए अपने जो दो पार्ट वीडियो हैं उनको हमें ट्रिम करना है। ओके तो ट्रिम हमें कहाँ तक करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, क्योंकि म्यूज़िक मैं आपको सुना नहीं सकती, म्यूज़िक के अकॉर्डिंग मैं पहले ट्रिम कर लेती हूँ। आफ्टर दैट मैं आपको बताऊँगी कि आप दोनों स्लोमो एंड स्पीड वाले वीडियो क्लिप की ड्यूरेशन क्या क्या रखेंगे। ओके ओके गाइस, तो इस तरह से मैंने दोनों वीडियो क्लिप को ट्रिम कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, जो आपका गाइस टेक्स्ट टाइम डेट है वो परफेक्ट ड्यूरेशन के साथ मैंने दिया हुआ है 5 सेकंड के लिए, इसको आपको कुछ नहीं करना, छेड़ना नहीं है, इसको हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, बस अपने जो टू पार्ट हैं इनमें हमें चेंजेस करने हैं। वो आपको फर्स्ट पार्ट की ड्यूरेशन रखनी है 2.34 सेकंड एंड सेकेंड पार्ट की ड्यूरेशन रखनी है 2.38 सेकंड। तो ये आप ड्यूरेशन रखेंगे। जो वीडियो क्लिप मैंने लिया हुआ है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे पास था नहीं तो मैंने ये ले लिया, लेकिन अगर आप अच्छा सा अपना कोई वीडियो क्लिप लेंगे आपका वीडियो बिल्कुल वैसा ही बनता है जैसा कि आपने रील में देखा होगा। ओके आपको बस यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपका वीडियो बिल्कुल वैसा ही बनता है। ओके तो गाइज अब आपका वीडियो रेडी हो चुका है, अब आपको इस वीडियो को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आपको यहाँ से एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से डन कर लेना है। अब गाइज आप यहाँ से सेव टू एल्बम के ऊपर क्लिक करेंगे एंड वीडियो आपका सेव हो गया। तो गाइज कैसा लगा है ये वीडियो आपको, अगर पसंद आया है तो आप जल्दी से लाइक कर लीजिए एंड अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है, एंड अगर आप चाहें कि नोटिफिकेशन आपको सारी मिलती रहे तो आपको बेल आइकन प्रेस करना है एंड आपको ऑप्शन मिलता है ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने का, आपको ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। ओके तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।